हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस पौधे के बारे में बात करेंगे, इसको मैरीगोल्ड कहा जाता है और इसका साइंटिफिक नेम टैजेटिस है। उर्दू में इसको गेंदे का फूल या इसको जाफरी भी कहा जाता है। ये पौधा जो है, इसका नेटिव कंट्री अमेरिका है और इस पौधे को जो है ना, इसको बहुत ज़्यादा जगहों पर यूज़ किया जाता है। मैक्सिको में इसको फ्लावर ऑफ डेड कहा जाता है। उसके अलावा इंडिया में इसको यूज़ किया जाता है जी, शादियों में डेकोरेशन के लिए, और यूरोप के अंदर इसको फूड कलर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जी, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि इसको हम कैसे उगा सकते हैं। तो ये मैंने इसकी दो क्यारियां लगाई हुई हैं इसकी। हमने तो पनीरी लगाई थी हमने, तो मैं साथ साथ आपकी इसकी स्टेजेस बताऊंगा कि ये मतलब किस तरह इसके फूल खिलते हैं। तो ये इसकी पहली स्टेज है। ये तकरीबन जब हमने इसकी पनीरी लगाई थी, तो उसके बाद ये तकरीबन 10 से 15 दिन बाद जो है ना, ये आपको पौधे इतने इतने बड़े हो जाते हैं और ये आप देख सकते हैं जी। तो उसके बाद फिर इनके ऊपर ये छोटे छोटे बर्ड्स निकलना शुरू हो जाएंगे। ये बर्ड्स फिर बड़े होंगे तो, और इस तरह फिर ये तकरीबन 3-4 दिन लगते हैं इसमें, इस बर्ड के। और फिर ये फूल जब बनता है, तो ये फूल जो है, ये खिलने में भी तकरीबन 3 से 4 दिन लगाता है। मतलब पहले ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, इसकी मतलब लेयर्स खुलती हैं, और ये जब पूरा फूल खिलता है, तो ये तकरीबन 5 से 6 सेंटीमीटर का फूल होता है। तो जो गेंदा है, गेंदा जो है, उसका फूल बड़ा होता है, वो तकरीबन 7-8 सेंटीमीटर का उसका फूल होता है। लेकिन जो जाफरी है, ठीक है, इधर हमारे यहाँ दो टाइप से इसकी हैं। एक को हम गेंदा कहते हैं, जिसका बड़ा फूल होता है। इसके सिर्फ 3 कलर होते हैं, एक इसका जी येलो, ऑरेंज और लाइट ग्रीन कलर होता है। उसके अलावा ये जाफरी है, जिसके छोटे फूल हैं, इसकी 7 से 8 वराइटीज हैं। ये डिफरेंट किस्म के इसके कलर्स हैं। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है, ये तकरीबन इसकी जो वीडियो है, ये तकरीबन इसकी 18 से 20 दिन बाद की जो है, ये इसकी मैंने वीडियो बनाई थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये फूल खिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो शुरू में जो पहले वाले फूल होंगे, आपने उनको ऊपर से तोड़ देना है, ताकि पौधा जो है वो फूलों पे जोर ना लगाए, बल्कि पहले अपनी ग्रोथ करे। ये देखें आप जी, ये फूल खिलना स्टार्ट हो गए हैं इसमें। तो बाहर जो है ना, ये बाहर वाली जो हमने 2 रोज लगाई हुई है, ये जाफरी की है, और अंदर जो है ये गेंदा लगा हुआ है, जिसके बड़े फूल है। तो ये आप देख सकते हैं, फूल खिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये जब फूल खिलेंगे, तो फिर आप देखेंगे ये बहुत ज्यादा, ये अब जी ये गेंदा है, ठीक है। ये फूल अभी मतलब इतना बड़ा फूल है, लेकिन ये अभी पूरा नहीं खिला, ये अभी खिल रहा है। तो इसमें सिर्फ 3 कलर होते हैं। तो ये जो पौधा है, इसको इतने ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। आप इसको ओकेजनल वाटरिंग करें, सर्दियों का, वैसे भी ये मतलब सर्दियों का पौधा है, तो तकरीबन आप दूसरे तीसरे दिन इसको पानी दें। जमीन में ये बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन गमले में भी आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। ये आप देखें जाफरी के, ये कितने खूबसूरत कलर है, येलो कलर है। उसके अलावा ये, उसके अलावा पैटर्न्स हैं इसमें। तो ये आप देख सकते हैं, एक एक पौधे के ऊपर ये पौधा जो है वो तकरीबन 5-6 इंच का पौधा है, और इसके ऊपर 10-12-12 फूल निकल रहे हैं। ये देखें, ये बर्ड्स हैं इसके, ये खिलते हैं, वो तकरीबन 3-4 दिन लगते हैं इसको खिलते हुए भी। और ये फूल जो है वो तकरीबन फिर हफ्ता 10 दिन जो है ये रहता भी है इसी तरह। इस पौधे का ज्यादातर मसला जो होता है, ये जब जनवरी में जो है ना, सर्दी पड़ेगी बहुत ज्यादा, तो उस दौरान जो है ये मरना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप इसको सर्दी से बचाएं, और आप इसको मतलब किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सही धूप हो, तो ये फूल इसके बहुत ही अच्छे खिलेंगे। लेकिन आपने सर्दियों में आपने इसको जो है ना, इसको बचाना है, जनवरी में या फरवरी में, जब यहाँ पे इसके ऊपर जो है ना, क्या कहते हैं, शदीद सर्दी होती है, तो उस वक्त ये पौधा जो है वो मरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये कितने बड़े बड़े फूल हैं इसके। तो ये मैंने दो क्यारियां लगाई हुई हैं, एक तो सर्कुलर है, दूसरे में ये फ्लावर सा बना हुआ है, ठीक है। उसके दरमियान में गजानिया लगा हुआ है। गजानिया जो है वो अभी उसकी फ्लावरिंग सीजन नहीं है, तो बाद में जब इसका फ्लावरिंग सीजन आएगा, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो ये देखें, फूल जो है ये अब तकरीबन मुकम्मल तैयार हो चुकी है जी क्यारी। अभी भी पूरे फूल नहीं खिले इसके, अभी भी आप समझ लें तकरीबन 30-40% ही फूल खिले हुए हर पौधे के ऊपर। तो ये अभी पूरे फूल खिलते हैं, तो उसके बाद मतलब बहुत ही जबरदस्त कलरफुल किस्म की आपकी क्यारी बन जाती है।
तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आपको पसंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।